महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष में रहते हुए एक बार फिर से खुद को रणनीति का बॉस साबित करके दिखाया है। तीन दलों के साथ मिलकर चला रहे उद्धव की रणनीति फडणवीस के आगे कमजोर साबित हुई है। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए एक बार फिर से उनके मंझे हुए नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी रणनीति का लोहा मनवा लिया है। 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में 3 सीटें जितवाकर फडणवीस ने अपनी रणनीति का लोहा मनवाया था और अब विधान परिषद चुनाव में कमाल कर दिखाया है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के लिए जहां जीत के आसार नहीं थे, वहीं फडणवीस की रणनीति से हारी बाजी को पलटते हुए 10 में से 5 सीटें जीत ली हैं, जिससे कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही शिवसेना की महाअघाड़ी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पास केवल 4 सीटें जीतने के लिए वोट थे, लेकिन बाकी दलों में सेंध लगाते हुए बीजेपी की झोली में 5 सीटें आ गई। कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली, जबकि एनसीपी शिवसेना की झोली में 2-2 सीटें आई हैं। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली, 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले हैं और हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूँ। आइए समझते हैं कि कैसे फडणवीस ने एक ही महीने में 2 बार उद्धव की टीम को सियासी पटखनी दी है। 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में थे। एमवीए ने 6 उम्मीदवार उतारे थे तो बीजेपी ने 5 कैंडिडेट खड़े कर चुनाव को रोमांचक बना दिया। दिलचस्प यह रहा कि एमवीए के पास सभी 6 कैंडिडेट को जिताने के लिए नंबर थे, लेकिन वह 1 सीट हार गई और जबकि 4 सीटें जीत सकने वाली बीजेपी ने 5वीं सीट निकाल ली। ऐसे में साफ संकेत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है और निर्दलियों ने बीजेपी को समर्थन दिया है। चलिए अब हम आपको उन 10 धुरंधरों के नाम बताते हैं जिन्होंने एमएलसी के चुनावों में झंडे गाड़े हैं। प्रवीण दरेकर जो कि बीजेपी से है, राम शिंदे जो कि बीजेपी से है, श्रीकांत भारतीय जो कि बीजेपी से हैं, उमा खापरे जो कि बीजेपी से हैं, प्रसाद लाड जो कि बीजेपी से हैं, सचिन अहीर जो कि शिवसेना से हैं, अमसा पदवी शिवसेना से, भाई जगताप कांग्रेस से, एकनाथ खड़से एनसीपी से, रामराजे नाइक निम्बालकर एनसीपी से। बीजेपी की लगातार 2 जीत आने वाले बीएमसी और चुनाव में संजीवनी का काम करेगी। वहीं दोनों जीत से एक बार फिर यही संदेश गया है कि देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में भले हो पर उनकी चुनावी रणनीति महाअघाड़ी के बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ी, क्योंकि शरद पवार जैसे राजनीति के बड़े खिलाड़ी भी फडणवीस की तारीफ कर चुके हैं और ये बैक टू बैक विक्ट्री फडणवीस को फिर से बीजेपी के महाराष्ट्र सीएम पद की दावेदारी मजबूत कराती है। और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा सियासी खेल देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।